आज की कहानी एक सुखद घटना की है जो जानलेवा बन गई। ये बहुत दुखद कहानी थी। पिछले हफ्ते मुंबई के गोवंडी में सब्बीर अंसारी ने अपने 18वें जन्मदिन पर एक ढाबे पर बर्थडे पार्टी का आयोजन किया था। खाने का बिल करीब 10,000 रुपये आया। बिल बांटने को लेकर पीड़ित और उसके दोस्तों के बीच विवाद हो गया। अंसारी ने जोर देकर कहा कि वह भुगतान नहीं कर सकता है और राशि को साझा करने की ज़रूरत है। फिर सबीर ने अपनी जेब से पैसे देकर मामला सुलझा लिया, क्योंकि उसके बाकी दोस्त बाद में पैसा देने के लिए राज़ी हो गए। बाद में पीड़ित ने अपने दोस्तों से रुपए मांगे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया और धमकी दी। क्योंकि सबीर पैसे मांगता रहा, इसलिए उसके दोस्तों ने एक और पार्टी का आयोजन किया और सबीर को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। केक खिलाने के बाद उस पर कई बार धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चारों दोस्त फरार हो गए। चार दोस्तों में से दो 17 वर्ष की आयु के नाबालिग थे और अन्य दो 19 और 22 वर्ष की आयु के थे। दोनों नाबालिगों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 19 साल और 22 साल के दोस्त फरार हो गए थे। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। आश्चर्यजनक, एक जन्मदिन के कारण ऐसी त्रासदी हुई। दोनों दोस्त उत्तर प्रदेश के गोंडा में अपने गांव भाग रहे थे। इसके बाद उन्हें गुजरात के अहमदाबाद से पकड़ लिया गया। पीड़ित के मुताबिक बिल को लेकर लड़कों में कहासुनी हो गई थी। हालांकि पीड़ित के पिता के मुताबिक सबीर के एक दोस्त ने पार्टी के लिए डीजे को बुलाया था, लेकिन सबीर ने डीजे के पैसे नहीं दिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। कहानियां बहुत विरोधाभासी है और अब जांच चल रही है। नाबालिग लड़कों को सुधार गृह भेज दिया गया है और अन्य दो को जेल भेज दिया गया है। उन्हें हत्या के लिए धारा 302 सहित भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। ये बेहद दुख की बात है कि एक परिवार ने एक ऐसा बेटा खो दिया जिसका भविष्य उज्जवल था। अफसोस की बात है कि लड़का कभी वापस नहीं आएगा। दिल तोड़ देने वाली घटना है।